IITians का नीट और जी का परफॉर्मेंस आपने सुनाई है। अब IITians ला रहा है 9th और 10th के लिए स्कूल प्लस स्पेशली फॉर स्कूल सेक्शन। राइना वाडकर 92.40%, मोहम्मद फुजैल खान 91.60%, राबिया गिरे 89%, खान सुबुल 88.80%, शाह तरन्नुम 82.80%। SSC 2024 का ये स्कूल प्लस का रिजल्ट है। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, एडमिशन ओपन है 9th और 10th के लिए। साथ ही साथ हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस फैकल्टी, वन ऑन वन डाउट क्लियरिंग, स्पेशल अटेंशन ऑन स्कूल टेस्ट सिलेबस, रिवीजन लेक्चर्स एज पर स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट और बुक्स भी दी जाएगी। कॉन्टेक्ट नाउ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हर साल की तरह इस साल भी वायरल हुए MMBLE कब्रस्तान के वीडियो। मत भूलो कौन कौन शामिल है इस गुनाह में, मुमरा के मुसलमान। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। MMBLE का थाने मनपा द्वारा स्लॉटर हाउस की आरक्षित जमीन पर बनाया गया जबरन कब्रस्तान, ये कब्रस्तान कितना दुखदाई होगा ये पहले ही बता दिया गया था। किस तरह की यहाँ की पूरी जमीन का मामला है, खाड़ी का मामला है, नालों के पानी का मामला है, सब बताने के बावजूद आरटी एक्टिविस्ट हनीफ कामदार और हमने अपनी खबरों के जरिए, फेसबुक लाइव के जरिए इसके लिए सभी को आगाह किया था, लेकिन कब्रिस्तान मिलना ही चाहिए, वो चाहे जैसा हो जहां हो मिलना चाहिए। कब्रिस्तान मिल गया मगर क्या हाल है। तो हर साल MMBLE कब्रिस्तान का वीडियो सामने आता है, खास करके बारिश के दिनों में 1.5 फीट 2 फीट के ऊपर पानी आ जाता है। 3 जुलाई को ऐसी एक मैयत दिन के समय में MMBLE कब्रिस्तान गई, उसे दफनाने के दौरान क्या हाल था ये देखिए। ये वीडियो वायरल हुए हैं और ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें देखिए। और फिर यहाँ पर जो मौलाना आए हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, उनसे बात पूछी जा रही है और वो सियासी मामला कहकर कब्रिस्तान के इस मामले को भाई सुधार करो सब करो, लेकिन सियासी मामले पर हम नहीं भूलेंगे, ऐसे ही उनका कहीं ना कहीं स्टैंड उनका रहा है। बहरहाल तो ये कब्रिस्तान संक्षिप्त में बेहद मुख्तसर सा हम आपको बता देंगे, 12.5 एकड़ का जो स्लॉटर हाउस मुमरा कौसा के लिए छाने के लिए था उसकी जमीन पर जबरन ला करके बनवाया गया। और इस कब्रिस्तान के बनवाने में प्रशासन से लेकर राजनीतिज्ञों से लेकर ठेकेदार तक सभी लोगों को अगर आप चुनेंगे और गिनेंगे तो आज अलग अलग गुट चल रहे हैं और इस कब्रिस्तान का किसी जमाने में किसी के साथ खड़े रह करके श्रेय लेने वाले लोग भी अब इस पर उंगली उठा रहे हैं, अब इसके बारे में बोल रहे हैं। तो अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि ये जो गुनाह किया गया है कौन कौन शामिल है, मत भूलना मुमरा के मुसलमानों, अगर भूल गए तो फिर आपको इस हाल से कोई आगे बचा नहीं पाएगा। ये हमारी कब्रों का यहाँ हाल है, एकदम बिल्कुल नीचे हैं और वहीं खोद रहे हैं। आप मैयत को दफनाना क्या, आप दहशत खा जाएंगे, मिट्टी को हाथ लगाने दिल नहीं करेगा आपके, सब पूरा पानी भरा पड़ा है और यहीं पर मैयत है, नहला रहे हैं। ऊपर जो मिट्टी डाले हैं उसमें कोई भी इंतज़ाम नहीं हुआ है, हालांकि उसको मिट्टी को दबा के कुछ ना कुछ करके ये इंतज़ाम कर सकते थे, पूरा पानी भरा हुआ है, सब पानी भरा हुआ है। ये आप देखें ये कब्र है, ये पानी भरा है इसमें पूरा, 1 फीट पे पानी भरा हुआ है। ये हाल है, ये मिट्टी निकाल के फेंक रहे हैं, ये पूरी मिट्टी है, ये पूरा हाथ बैठ रहा है। ये आप किस तरीके से यहाँ दफना सकते हो, ये मिट्टी आप हाथ में नहीं ले सकते हो, उसी में हड्डी और सारी चीज़ें मिक्स हैं। इसके लिए आज ही सख्त वाली आवाज़ उठाना चाहिए उलमा कौंसल को। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मैंने देखा अभी आप लोग यहाँ पे तदफीन करके निकल रहे हैं और जैसे कि मैंने देखा काफ़ी पानी वगैरह आप लोग निकाल रहे थे कब्र में से, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मसला ऐसा है कि मैं सुबह से यहाँ हूँ, सुबह में जो कब्र खोदने का सिलसिला उन्होंने चालू किया जी, तो 1 ही फुट का जो पानी निकलना चालू हो गया था। मेरी सबसे बड़ी जो है यहाँ के इंतज़ामिया से एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है जी, कि जो मिट्टी हमको डालना चाहिए थी 2-4 महीने पहले और उसको लेवल कर देना चाहिए था और बारिश के लिए उसको इंतज़ाम करके रखना चाहिए था, तो वो हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। 2-3 जो है लाइनें वो खाली पड़ी हुई हैं मिट्टी भरों की, और जहाँ हमको बारिश में कब्र नहीं खोदना थी हम वहाँ खोद रहे हैं। अच्छा, तो अगर मेरा पर्सनल आप पूछेंगे तो मैं तो नाराज़ गया हूँ,
खुदा की कसम के हमने किस कपकपाहट के साथ में जो है अपनी मैयत को रखा है और वो पानी नीचे से जो है आ रहा है, कम से कम अगर 6 फीट की कवर खोदे हैं तो 4 फीट उसमें पानी है। तो लानत है हमारी ज़िंदगी पे या हमारे मुमराबासियों की या मुसलमानों की या मुसलमानों के जो रहनुमा हैं कि अल्लाह के वास्ते हमको यहीं आना है, मेरे भाई कहीं जाना नहीं है, ये जो हमारे बंगले और फ्लैट और ये सब ये इधर ही रह जाएंगे, अगर हमने इधर की फिक्र नहीं की तो हमारी ज़िंदगी बेकार है मेरे भाई। आज जो मैंने सुबह से मुशाहिदा किया है, कल मुझे पता लगा कि कुछ लोग जो है मैयत को बगैर दफनाए दूसरी जगह ले गए, तो मेरे भाई किसी का भी कलेजा फट जाएगा जिस हाल में हमने मैयत रखी है। रो रो को खबर में आके कोई नहीं रोता है, लेकिन खबर में रखते टाइम भी आंसू निकल गए कि इस हाल में हम अपने प्यारों को दफना रहे हैं, ये एक बड़ा कलेजा और जिगरा चाहिए इंसान को। तो अल्लाह के वास्ते जितने भी हमारे मुमरा के इंतज़ामिया हैं सब अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे भी उलमा कौंसिल है और जितने भी हैं, मेरी सबसे गुजारिश है कि इसको फौरी तौर पर जो है इसका हल निकालें। बहुत बुरा हाल है, कब्र पानी से भरी हुई है, उसमें भूसा डाल रहे हैं, उसमें कीचड़ है, कसम खुदा कि हम लोग जो है अपनी मैयत को रख ही नहीं सकते, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। अल्लाह के वास्ते मुमरा वालों फिक्र करो इसकी। बिल्कुल, और जैसे कि बताया जाता है कि कब्रिस्तान पहले डीजेड सिटी जहां बनी है उस तरफ में कहीं था और उसको यहां शिफ्ट किया गया। असल में ये तो सियासी मसला है, इस सियासी मसले के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, क्योंकि हम उलमा लाइन से हैं, आइमा लाइन से हैं, तो ये तो सियासी लोगों का मसला जो भी, लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है जो भी इंतज़ामिया है, जो भी यहाँ के बहुत से ट्रस्ट हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो यहाँ के नगर सेवक वो सारे लोग हैं अच्छे लोग हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अल्लाह के वास्ते फ़िलहाल इसका फौरी इंतज़ाम कीजिए। बारिश में जो है लोग दफना नहीं पा रहे हैं, चीखें निकल जा रही हैं लोगों की उस कीचड़ में अपनी मैयत को रखने के लिए। तो अल्लाह के वास्ते इसमें आप क्या चाहते हैं, मतलब कि फौरी तौर पे इसका इंतजाम क्या इंतजाम किया जाए इसका? तो अगर हमारा ऐसा ही है तो हमको खड्डी गाँव में कहीं शिफ्टिंग है वहाँ दफनाना चाहिए, या ऊपर का जो है जो ऊपर के जो कब्र है उसमें चालू कर देना चाहिए, इतनी कीचड़ में नहीं। जो कब्र खोद रहे हैं ना उनका बिचारों का हमने देखा है हाँप रहे पसीने में, वो फावड़ा चला नहीं पा रहे, वो लोग पानी फेंक नहीं पा रहे। बिल्कुल, अगर आप जैसे बता रहे हैं कि 6 फुट कब्र में 4 फुट पानी निकल रहा है तो बिल्कुल उसमें कब्र खोदना तो बहुत ही मुश्किल काम हो गया है।